तुमको अनेक भाषा में समझाऊं ना। दोस्तों वरुण धवन की इस साल की सबसे बड़ी मास एक्शन फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर में वरुण धवन एक अलग ही किरदार में नजर आ रहे। वहीं टीजर को देखकर माना जा रहा है यह टीजर मास ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि टीजर में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा। वहीं टीजर में आपको कई छोटी छोटी क्लिप में इमोशन सीन भी देखने को मिले जिस वजह से टीजर पहली नजर में सभी का दिल जीत रहा। वहीं जैकी श्रॉफ भी विलन के किरदार में काफी शानदार लग रही और हमेशा से ही ऑडियंसों ने इस तरह के अमेजिंग रोल में देखना पसंद करती है क्योंकि जैकी श्रॉफ के टीजर में एंट्री काफी धमाकेदार है और वह विलन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है और इतनी बड़ी एक्शन फिल्म होने की वजह से इस फिल्म का सीधा कंपैरिजन इटली के डायरेक्शन में बनाई जाने वाली जवान के साथ हो रहा क्योंकि जवान भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और जवान के बाद बेबी जॉन मास एक्शन से भरपूर है और मास ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है और इतनी बड़ी फिल्म को जियो स्टूडियो और सिने वन ही बना रहे और यह दोनों ही हमेशा से एक से बढ़कर एक मासी एक्शन फिल्म बनाते हैं। इसी के साथ फिल्म में आपको वरुण धवन के साथ कृति सुरेश लीड रोल में नजर आएगी और इन दोनों की ही केमिस्ट्री आपका दिल जीत लेगी। वहीं फिल्म में राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं और टीजर को देखकर लग रहा है फिल्म में आपको रिवेंज ड्रामा देखने को मिलेगा और फैमिली और बच्चों के साथ यह फिल्म देखने में एक अलग ही मजा आएगा। इसी के साथ अगर फिल्म की रिलीज की बात करें तो फिल्म इस साल के एंड में 25 दिसंबर के दिन रिलीज हो रही और हॉलीडेज के बीच रिलीज होने की वजह से फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा देखने को मिलेगा और हो सकता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी तबाही मचाए। इसी के साथ वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन की एक्टिंग काबिले तारीफ है और उन्होंने टीजर में काफी जबरदस्त धमाकेदार और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो दोस्तों पहली नजर में टीजर सभी का दिल जीतने में कामयाब हुआ और वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी मास एक्शन फिल्म को देखने के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ अगर आपने बेबी जॉन का टीजर देख लिया है तो आपको टीजर कैसा लगा आप किराए हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वरुण धवन के आप सबसे बड़े फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे